नमस्कार यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। गंजाम जिले में गोटे दिन में सर्वाधिक 320 जन और राज्य में 755 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। जिले में आक्रांत संख्या 3416 और राज्य में 11956 पहुंचला। गंजाम जिले में पांच दिनिया सटडाउन द्वितीय दिवस में महानगर विभिन्न अंचल जनशून्य अमानिया नियम खिलाफ करुथबारु पुलिस जरिमाना आदाय। गंजाम जिला और ब्रह्मपुर में कोरोना पॉजिटिव संख्या वृद्धि को दृष्टि में रखी ब्रह्मपुर में मोबाइल स्वाब कलेक्शन भ्यान रो शुभारंभ कले जिलापाल। पांच दिनिया सटडाउन समय रे घर को घर बुली कोरोना पाई स्वास्थ्य परीक्षा करुछंती स्वास्थ्यकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी शिक्षक और डाक्टर। आईसीएसई द्वारा परिचालित दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल प्रकाशित। महानगर विभिन्न स्कूल छात्र छात्री सफलता। एवं आंध्र प्रदेश को चालान होता महिषी बझेई गाड़ी को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और गोसेवा संगठन तरफ जबत पुलिस को हस्तांतर। एथर संपूर्ण खबर। शुक्रवार राज्य में पुणी थरे कोरोना पॉजिटिव भाव 755 जन चिन्हट होती। संगरोध केन्द्र में 508 जन और आंचलिक स्तर 247 जन चिन्हट होती। गंजाम जिलारु राज्य में सर्वाधिक 320 जन कोरोना पॉजिटिव भाव चिन्हट होता बेले गोटे दिन में पुणी थरे 4 जन मृत्यु घटी। मृतकों मध्य जड़े 41 वर्षीय जड़े 58 वर्षीय जड़े 48 वर्षीय एवं अन्य जड़े 32 वर्षीय पुरुष रही। वर्तमान गंजाम रे मृत्यु संख्या 34 रे पहुंची। गंजाम जिले में एपरी कोरोना पॉजिटिव सह मृत्यु संख्या वृद्धि पाता जो यह गंजामवासी भयभीत होती। सहीपरी राज्य में 565 जन गोटे दिन में सुस्थ होता बेले से गंजाम जिलार 185 जन रही। गंजाम जिले में 320 जन पॉजिटिव मध्य ब्रह्मपुर महानगर 30 जन कोरोना योद्धा रही। सहीपरी ब्रह्मपुर जड़े बाहर राज्य आसी पॉजिटिव होता बेले अन्य 55 जन आक्टिव कंटाक्ट पॉजिटिव केस रही। एथसह ब्रह्मपुर दुई जन फोटो सांबादिक और जड़े सांबादिक कोरोना पॉजिटिव भाव चिन्हट हो टाटा कोविड हॉस्पिटल रे चिकित्सित रही। वर्तमान राज्य में 11956 जन कोरोना पॉजिटिव रही बेले से 7972 जन सुस्थ 3911 आक्टिव केस और 56 जन मृत्युवरण करपरी। गंजाम जिले में 3416 जन कोरोना पॉजिटिव रही बेले से 1892 जन सुस्थ 1489 आक्टिव और 34 जन मृत्युवरण कर। गंजाम जिले में कोरोना पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाता जो जिलापाल विजय अमृता कुलांगे निर्देश क्रमे गुरुवार पांच दिनिया सटडाउन जारी रही। सटडाउन द्वितीय दिवस में शुक्रवार ब्रह्मपुर विभिन्न अंचल जनशून्य पर केवल औषध क्षीर और स्वास्थ्य सेवाई स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कर। तेबे बहु अमानिया कोरोना कटकणा खिलाफ करुथबा जोगुं ब्रह्मपुर और गंजाम पुलिस पक्षरु जरिमाना आदाय करा जाउछि। गत दुई दिन मध्यरे ब्रह्मपुर पुलिस पक्षरु बेआईन गाड़ी चलाना अभियोगरे 76,500 टंका जरिमाना आदाय करा जायथिबा बेले मास्क व्यवहार न करिबा अभियोगरे 22,400 टंका जरिमाना आदाय करा जायछि। गोटे अबकारी मामला रुजु करा जिबा सह 10 जणंकु गिरफ करा जाय 22 लिटर मद जबत करा जायछि। गंजाम पुलिस पक्षरु मास्क परिधान न करिबा अभियोगरे गत दुई दिन मध्यरे 73,800 टंका जरिमाना आदाय करा जायछि। सामाजिक दूरता रक्षा न करिबा अभियोगरे 1,000 टंका आदाय करा जायछि। सातटी अबकारी मामला रुजु करा जिबा सह 8 जणंकु गिरफ करा जाय 379 लिटर मद जबत करा जायछि। 13 तारीख पर्यंत एपरी सटडाउन कटकणा बलवत्तर रहिबो। दिनकु दिन पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाउथबा जोगु ब्रह्मपुर समेत गंजाम जिलार समस्त जनसाधारण निजकु अधिक सचेतन करिबा जरूरी होइ पडिछि। गंजाम जिला और ब्रह्मपुर में कोरोना पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाउथबा जोगु जिला प्रशासन पक्षरु शुक्रवार ब्रह्मपुर महानगर निगम परिसर रे एक मोबाइल स्वाब कलेक्शन भ्यान रो शुभारंभ करा जायथिला। एहि अवसर रे जिलापाल विजय अमृता कुलांगे एहि भ्यान रो शुभारंभ करी एहा द्वारा जनसाधारण को सहज और सुविधा रे स्वाब परीक्षा करा जाय परबो बोली सूचना देथिले। ओडिसा सरकारक सहयोग क्रमे एपरी भ्यान रो व्यवस्था करा जायथिबा से कहिथिले। स्वाब परीक्षा पई बहु जनसाधारण सिटी हॉस्पिटल उपरे निर्भर करथुबा बेले वर्तमान भ्यान द्वारा निजो साही और वार्ड रे स्वाब परीक्षा करि परबे बोली से कहिथिले। कोरोना पॉजिटिव को तथ्य संग्रह पई वर्तमान विभिन्न वार्ड रे स्वतंत्र टीम परिदर्शन करथुबा बेले कोरोना लक्षण थिबा व्यक्ति मानको एही भ्यान माध्यम रे स्वाब संग्रह होई परबे बोली से प्रकाश करथिले। एही अवसर रे उपजिलापाल सिंधे दत्तात्रय भावसाहेब
महानगर निगम कमिश्नर चक्रवर्ती सिंह राठौरों समेत जिला मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बहु अधिकारी उपस्थित थे। गंजाम जिलापालंको निर्देश क्रमे पांच दिनिया शटडाउन जारी रहिबा सह घरकु घर बुली कोरोना पई स्वास्थ्य परीक्षा करा जाउछि। ब्रह्मपुरर विभिन्न साहिरे किछि स्वास्थ्य कर्मी अंगनवाड़ी कर्मी शिक्षक ओ डाक्टर मानंकु नै लोकमानंको स्वास्थ्य परीक्षा करा जाउछि। जदि कोनोसी व्यक्तिंक निकटरे कोरोना लक्षण देखा जाय तबे सेमानंको नाम पंजीकरण करा जाय स्वाब परीक्षार व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। शुक्रवार आईसीएसई द्वारा परिचालित दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाई। ब्रह्मपुर डिपल स्कूल सेंट विन्सेंट कन्वेंट स्कूल सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल और एमएवी स्कूल रे अध्ययनरत छात्र छात्री माने एपरी परीक्षा फल जानिपारी। चलित वर्ष कोरोना जोगु छात्र छात्री माने समस्त परीक्षा देपारी नथिले। द्वादश श्रेणी परीक्षा फल अनुजाई डिपल स्कूल रो आदित्य पाणिग्राही 97.5% नंबर रखिथिबा बेले प्रसमित पाढ़ी 96.75 और स्वातिश्री महापात्र 96.75 नंबर रखिता बेले अजस्विता दास 96.5 और शाश्वती मंडल 96.5% नंबर रखि उत्तीर्ण होता डिपल स्कूल अध्यक्ष फादर साजु आंटोनी सीएम सूचना देते। से हीपरी दशम श्रेणी परीक्षा 316 जन छात्र छात्री परीक्षा देता बेले से 315 जन छात्र छात्री सफलतार सह उत्तीर्ण होती। सेहीपरी सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल रो दशम श्रेणी परीक्षा 134 जन परीक्षा देता बेले समस्त छात्र छात्री सफलतार सह उत्तीर्ण होता स्कूल अध्यक्षा सिस्टर जुलिएट सूचना देते। विद्यालय विघ्नेश सामंतराय सर्वमोट 98.2% रखी विद्यालय टॉपर होती। 90% रु अधिक 20 जन रही बेले 43 जन डिस्टिंक्शन 54 जन प्रथम श्रेणी और 16 जन द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होता से कहते। एमएवी स्कूल रे चलित वर्ष 80 जन छात्र छात्री दशम श्रेणी परीक्षा देता बेले समस्त छात्र छात्री सफलतार सह उत्तीर्ण होती। अविनाश पाड़ी 95.4% नंबर रखी प्रथम होता बेले अनिकेत कुमार साहू 94.6 सुभाषिष दास 94.6% नंबर रखी द्वितीय और सौरभ साहू 94.4% नंबर रखी तृतीय स्थान अधिकार करिछन्दि। एमएवी स्कूल 15 जन 90% रु अधिक नंबर रखिता बेले 76 जन 60% रु अधिक नंबर रखी सफलतार सह उत्तीर्ण होता स्कूल अध्यक्ष रामचंद्र महापात्र संपादक कुमुद रंजन पाढ़ी और सभापति प्रकाश चंद्र पंडा सूचना देवासह समस्त छात्र छात्री मानंकु शुभेच्छा जणाइछन्ति। सेंट विन्सेंट कन्वेंट स्कूल 144 जन छात्र छात्री परीक्षा देता बेले समस्ते उत्तीर्ण होती। 77 जन 90% मार्क रखिता बेले सुमित मडा 99.2% मार्क रखी टॉपर होती। गोलंथरा थाना अंतर्गत मदन मोहनपुर माटिया साही अंचल गुरुवार राति आंध्र प्रदेश को चालान होता एक महिषी बोझे गाड़ी को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और गोसेवा संगठन कर्मकर्ता तरफ जबत कर पुलिस को हस्तांतर कर दुईट गाड़ी सह बहु महिषी और तीन जन पुलिस को हस्तांतर कर जनापड़ी। एपरी महिषी चालान को नहीं एठारे उत्तेजना प्रकाश पाई गत किछि दिन धरी एपरी महिषी चालान होता अभियोग हो संक्रांत में पुलिस पक्षर कौन पदक्षेप पूर्व ग्रहण करा महिषी चालान खबर पाई नीलांचल विश्वई गणेश साहू एन बालकृष्ण रेड्डी डॉक्टर भवानी शंकर दास मधुसूदन साहू और ललाटेन्दु चौधरी प्रमुख गोलंथरा जातीय राजपथ छकटे चालान होता महिषी संपर्क में खबर पाई एथने गोलंथरा थाना पुलिस तरफ अधिक तदंत जारी रही। कोरोना कटकणा जो जिला प्रशासन निष्पत्ति क्रमे विभिन्न मंदिर बंद रही तेज केवल मंदिर पूजकों द्वारा विभिन्न देवादेवी पूजा विधि जारी रही।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କ ଯଥାରୀତି ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ପୈଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ମହାରଣା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଖେ ବଳିଆ, ଅନ୍ୟ ପାଖେ କାଳିଆ ଓ ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ମାତା ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଏପରି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରହିବା ସହ ଏପରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଛୋଟ ରଥ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ NSCଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର NSC ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ କରୋନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତନଖି କରାଯାଉଛି। ଏପରି ସାହିକୁ ସାହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ନେଇ ଲକ୍ଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 9ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ 5 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଔଷଧ, କ୍ଷୀର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଛତ୍ରପୁରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଓ ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛି। କଦୋଳା ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବା ସହ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟିକା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, କଦୋଳା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 320 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ 755 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3416 ଓ ରାଜ୍ୟରେ 11956 ପହଞ୍ଚିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜନଶୂନ୍ୟ, ଅମାନିଆ ନିୟମ ଖିଲାପ କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
5 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡାକ୍ତର। ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 10ମ ଓ 12ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମଇଁଷି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଗୋସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜବତ, ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ୟୁଟିଭି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।